तो धो लियो। अरे धुले नहीं यार। अरे ठीक है ठीक, देखिए भैया इसको नहीं छूना है। आटा वाटा आ रहा है। अरे बस बस बेटा ले लीजिए का फर्जी में ले लीजिए। चप्पल लिखा हुआ ठीक बस लिखा गया। हाँ अपने मोबाइल से लिखा। हाँ यार ब्रेन नहीं आओ माला वाले कहाँ है? माला वाले कहाँ हो? माला वाले अरे जल्दी इधर चाचा जी। हेलो कई दिन बाद दिल्ली आ रही है क्या हुआ हमका बताएंगे। हेलो बाबा ठीक रहे भाई तुम नहीं बाबू कहीं हटाते हैं जरा सी इधर 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 अरे इधर चाची तुम और चली आओ। अरे गुरु जी तुम कहाँ बीच में टपक खड़े हो आगे बीच में उतार कर दी गई ना। हे बीरेन ए मेरा भाई
उतार उतार तो पहनावा थी तुम यार ले रहा उतार रहे उतार दी ना खींचो ना हम कहां खींची उतार रहे खींची आइए वीरेंद्र भाई हो गया हाँ डालिए डालिए वीरेंद्र भाई इधर हो गया ये कहाँ डाल रहे आप हेलो इधर एक ही सामान में भाई मन से अगर कुछ कह दू ना बहुत चिल्ला सा आगे आगे देखो यहाँ एक दिन कुछ कह अरे बाप बस करो बस अभी ये नहीं आ तुम और बना और हम बहुत मस्त फोटो आ रहा है इधर नहीं आ रहा भाई सब लोग पुत्री इधर नहीं आ रहा हमारे ने खींचो यार कैसे हो कहाँ का हो कहीं का कत नहीं हटो तो इधर नहीं आ रहे हो तो ये फोटो जाएगा वहाँ ऊपर तक ऊपर सबका नाम वहाँ जाए वीरेंद्र आगे सटो हाँ बिल्कुल भाई हट तो रही देख भाई साहब बाबा तो भागा भागा फिर बाबा तो इधर निहार धो थोड़ा ओ सर फोटो आ गए ना जा सकते हैं एक उधर से इधर चले दीजिए इधर 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 से सामने हम कहाँ पे हम फोटो उठो घूम गया दूर आवाज चाइना रिकॉर्डिंग है भैया देखो आज इसी लिखा है हाँ लिखा है ठीक देखिए आज 16 जनवरी 2016 यहाँ पे मकर संक्रांत के उपलक्ष्य में 14-15 जनवरी को मेला विशाल मेला का आयोजन होता है जो लगभग 40 साल से
चला रहे हैं, निरंतर चला रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण गांव के निवासी, यहाँ के खेतवासी, दूर से भी लोग यहाँ पे आते हैं। मेला बड़ी बड़ी दुकानें, झूला इत्यादि यहाँ पे आती है। नहीं नहीं हाँ, और यहाँ पे 14 जनवरी को गांव के कुछ लोग यहाँ पे नौटंकी का अपना आयोजन करते हैं, जो मनोरंजन का। 14-15 मेला होने को उपरांत यहाँ पे मैंने एक छोटी सी योजना, यही विशाल वही भंडारे की योजना हमने छोटी सी बधाई मन में अपनी रखी कि एक 14 जनवरी का भंडारा होता है। और 2009 से लेकर के आज तक नारे का नियम का चला आ रहा है। ये बड़ी बात, ठीक है। मैंने 2 किलो तेल से यहाँ पे भंडारा शुरू किया था जी जी, लेकिन आज यहाँ पे 2-3 दिन चल तक व्यवस्था होती है। क्षेत्र के सहयोगी लोग यहाँ लगे रहते हैं, सब सहयोग करते हैं जी। ठीक है जी। और फोटो नहीं अभी इस हमेशा तो यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी रात में मेले में, लेकिन इस साल जो है प्रधान की तरफ से बेतौरा ग्राम प्रधान की तरफ से यहाँ पे लाइट की व्यवस्था की गई थी, इसलिए कि दुकानदार भागे नहीं, कोई अव्यवस्था नहीं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि ये भंडारा निरंतर चलता रहे, हम रहें चाहे न रहें यहाँ पे, लेकिन मेरा एक उद्देश्य ये है कि भंडारे की व्यवस्था निरंतर यहाँ पे चलती रहे। ये तो ये शुरू हो गया है, ये कभी बंद नहीं होगा। हमारा ये हमारी आत्मा कहती है, कभी नहीं बंद, हम रहें चाहे न रहें, एक ये व्यवस्था ये चलते रहे, चलती रहे यहाँ पे। नहीं नहीं, कि हमारे सहयोगी लोग जुड़े होते हैं यहाँ पे, यहाँ पे किसी की कमी नहीं आने पाती है, जिससे जो हम कहते हैं मतलब उसकी क्षमता के अनुसार जी जी वो सहयोग करता है, कोई यहाँ पे पीछे आगे पीछे नहीं होता। हमारे गांव में दूध की व्यवस्था अपने आप हो जाती है, यहाँ पे दूध मांगना नहीं पड़ता खेल के लिए। ठीक है, और व्यवस्था व्यवस्था करनी पड़ती, लोग लगे रहते हैं अपने आप, जैसे कोई तेल देता है। हमारे यहाँ पे एक संजय यादव और राजू दोनों भाई भाई यहाँ पे जो 5,000 रुपये देते हैं जिन्हें हमेशा, वो बड़ा अच्छा खाती सहयोग करते हैं, जो भी कहते हैं वो कर देते हैं। और प्रधान जी की तरफ से सहयोग होता है, और भी लोग हमारे यहाँ पे हैं, जैसे मुकेश यादव यहाँ पे शिक्षक की तभी स्कूल चलाते हैं, उनका सहयोग है, और तमाम प्रतिष्ठित लोग यहाँ पे हैं, तो उनका सहयोग मिलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे सहयोग बना रहे और ये सहयोग बढ़ता रहे। और आप ये जब आते रहेंगे यहाँ पे तो सहयोग और नहीं बिल्कुल होगा। बिल्कुल यही दे दीजिएगा, थोड़ा हमारे यहाँ गाय है, इसलिए भोले मिले जाएंगे। वो वाला कैमरा कौन है? हाँ, अब थोड़ा इधर हम बोलेंगे। नहीं नहीं, रायबरेली, पूरे रायबरेली जनपद में ऐसा भंडारा आज तक आप लोगों ने नहीं देखा होगा, और रायबरेली के बगल के जो जनपद वाले हैं वो ऐसा भंडारा नहीं देखे होंगे। ये काली धाम है, बेतौरा गांव का नाम है, फुर्सतगंज से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर फुर्सतगंज से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, हवाई अड्डे से करीब होगा हमारे, 8 किलोमीटर करीब है। तो कहने का मतलब यह है कि ये अगल बगल आपको बड़े दूर दूर गांव दिखेंगे, लेकिन एक अद्भुत ही माँ का दरबार है। रायबरेली वासियों से इस सीढ़ी को देखने के बाद वो डॉक्टर श्याम बाबा से मिले और इस माँ के दरबार में वो अपना सहयोग करें। सहयोग करने से उनको एक अद्भुत एक शक्ति के अद्भुत शक्ति का उनके अंदर एक संचार होगा, क्योंकि ये बड़ी ही प्राकृतिक बड़ा मनोरम स्थान है। यहाँ बगल में वो जो एक नदी का एक रूप है उसको नैया बोलते हैं, आप उसको देखेंगे यहाँ, मतलब जितनी चीज़ें देखेंगे आप प्राकृतिक देखेंगे। और ये बहुत ऊंचे टीले पर है और यहाँ दूर दूर गांव हैं, लेकिन अभी हम कैमरा खुद लेकर के और बच्चों का सीन हम दिखाएंगे कि ये बच्चे इस जाड़े में अभी खाते खाते अंधेरा हो जाएगा, फिर भी ये बच्चे आए हैं, ये अपने अपने गाँव पहुँचेंगे। तो ऐसा बाल भोज का दृश्य रायबरेली में आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा। ये बाल भोज एक तरफ और महात्माओं का 10,000 भोज एक तरफ और 1,00,000 भोज
खेलुहा भोज जो शहरों में लोग करते हैं। लाउड स्पीकर लगा के अब चले जा रहे हैं गाड़ी से, भैया क्या नाटक है रे, यहाँ आओ, ये माँ के दरबार में आओ और ये बाल भोज का सीन देखो। अब हम कैमरे को लेकर के हम बनाएंगे स्वयं। ये देख रहे हैं आप इन लोगों का उत्साह, कितनी भाव भक्ति इन लोगों के अंदर है। वहाँ वो कड़ा चढ़ा है, वहाँ सारी चीज़ें बन रही हैं। एक डॉक्टर श्याम बाबा, उनके गुरुजी बाबा मुरारी दास और उनके शिष्य ये भी बाबा हैं, और जितने लोग यहाँ के धार्मिक प्रवृत्त के हैं, और सबसे आश्चर्य की बात है ये सारे बच्चे, भैया किनारे आ जाए, ये सारे बच्चे, ये बाल भोज है। ये अगर जितने बच्चे हैं इनके आप 1000 गुना ज़्यादा बाबाओं को बुला लो, 1000 गुना, वो एक तरफ और ये भोज एक तरफ। ये तो असली महात्मा है, इनसे बड़ा तो कोई साधु नहीं है। ठीक, तो ये स्थान का महत्व है, ये माँ का दरबार है, तमाम बच्चे वहाँ देखिए सब मंदिर के पास में है, ये सब वो वहाँ देखिए सब अभी फैले हुए हैं, वो सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो ये मनोरम दृश्य यहाँ का आप ऐसा, और वहाँ देखिए तमाम बच्चे हैं चारों तरफ फैले हुए हैं। जब ये सब भोज होगा तो ये अद्भुत दृश्य होगा यहाँ का। इसलिए रायबरेली वालों से या सीडी देखने के बाद जहाँ के लोग देखें वो लोग इस माँ के दरबार से जुड़ें, यहाँ आवें देखें और यहाँ का चमत्कार देखें। यहाँ का भोज करने से ये महाभोज है, ऐसा भोज रायबरेली जनपद में आपने आज तक कहीं नहीं देखा होगा और न कहीं सुना होगा। यहाँ आज कई सालों से सन 2009 से चल रहा है, सन 2009 से 2 किलो तेल से हमारे बाबा ने इस भंडारे को शुरू किया था। आज देखिए हुजूम, अब इस कैमरे को जब बाहर सीडी लोग देखेंगे तब लोगों को ज्ञान होगा कि भाई कौन जगह है बेतौरा। तो भगवान चाहेंगे, माँ ने चाहा तो बहुत से लोगों को जोड़ेंगे यहाँ से। ठीक, उसके बाद में जब लोग यहाँ आएंगे तो उनको हम पंचमुखी हनुमान भी ले जाएंगे, जहाँ पंचमुखी हनुमान वो आज तालिबान और हिंदुस्तान का बॉर्डर है, जहाँ बाबा मुरारी दास एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं। अद्भुत उधर मंदिर पर बुलवाइए करके थोड़ा सा स्टेटमेंट दीजिए, आप बोला जाइए हम यहाँ कार्यक्रम करा। अच्छा, तो मतलब कैमरे को बंद, हाँ करो, बुलवा जाए गुरी बड़ी। अच्छा हाँ, अच्छा इसको देखिए कैमरा, ये हम यहाँ रखे देखते हैं, इसको देखे रहिएगा। हाँ सब थोड़ा सा पेड़ है, हाँ ये है यहाँ का यज्ञ स्थल है, बंद वाटिका है, यही यज्ञ स्थल है ये। हाँ ये मनोरम प्राकृतिक स्थल है वो अब, और काफी ऊंचाई पर है, इधर सब गोष्ठी है। हाँ अब ये एक चौतरा बन गया है। हाँ ये नया नया भी, हाँ यही सब, यही बढ़िया ऊंचे टीला है। जी 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 सही, और सब उधर उस पार नाला है, यही है सब प्राकृतिक स्थान है, ये माँ का दरबार है। और यहाँ को लोगों को जहाँ अवघड़ का प्रवेश हो जाए, महा अवघड़ का जी, तो वो स्थल तो महा हुई जाएगा। हाँ, अब इनके अब एक संत सम्मेलन होना है इनके यहाँ। अच्छा 100 साधु, अरे 100 साधु, वाह दया साहब, 100 साधु। हाँ अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। कब तक होने की संभावना है? फरवरी मार्च में। अच्छा ये डॉक्टर श्याम बाबा कह रहे थे वहाँ? हाँ साहब आप तो गए हो रहा है। नहीं नहीं, डॉक्टर श्याम बाबा एक वहाँ के लिए भी कह रहे थे, जहाँ नहीं जहाँ साई का मंदिर है वहाँ थाने के बगल में, वहाँ के लिए साइड बताए। 25 जनवरी को आपको आना है। अच्छा राही वाले, अच्छा राही वाले में 25 जनवरी संत सम्मेलन बड़ा है तगड़ा। अच्छा 2 बजे आप आ जाइएगा। अच्छा उन्होंने कहा है। जी 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 नहीं बिल्कुल आएंगे, कुल मिला के फोन करके याद दिला दें। जी 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 बिल्कुल। अरे भाई आप लोगों का ही, आप लोगों का ही कार्य जो है, कम से कम आज के ज़माने में सेवा काम करने वाले कोई साधु हैं तो जनता को रुझान लेनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये कौन सा तारीख है? 16/16/16 ठीक। जय श्री राम, जय श्री राम। ये सारा बच्चों का हुजूम, सारे दूर दूर का दृश्य आप देख रहे हैं, ऐसा सन बार बार नहीं आएगा। महिलाओं का झुंड सब देख रहे हैं, मंदिर का आपने दृश्य देखा है, माँ का दरबार है वो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।